नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ऐलान हो चुके हैं। 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, जबकि विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी और इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर वैसे तो कई क्षेत्रीय दलों के लिए पशुपेश की स्थिति पैदा कर दी है। सबसे बड़ी दुविधा झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल उनकी सरकार में शामिल है और ये तीनों पार्टियां विपक्षी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख घटक हैं। लिहाजा स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका समर्थन यूपीए के आधिकारिक प्रत्याशी और झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे पूर्व नौकरशाह यशवंत सिन्हा को मिलना चाहिए। ऐसे में कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है विपक्ष के लिए एनडीए की ये मजबूत दावेदारी, इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है और इसके साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। तमाम सारी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का सम्मान उतना ही है भारतीय जनता पार्टी करती है जितना पंक्ति में आगे खड़े हुए व्यक्ति का। और अब चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वो कर दिखाया। तो कौन बनेगा महामहिम? 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये वक्त बताएगा। एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू मैदान में हैं और इसके साथ ही विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा दावेदारी पेश कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और संसद भवन में 12 बजे आज नामांकन करेंगी। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है और आज नामांकन करेंगी मुर्मू। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है और नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज नामांकन करेंगी, 12 बजे नामांकन करेंगी और संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। तो विपक्ष के लिए एनडीए की यह मजबूत दावेदारी बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने
जबकि विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी और इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर वैसे तो विपक्ष के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दीपक उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, दीपक उपाध्याय जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अंकुर सक्सेना जी, पहला रुख आपका करेंगे, महामहिम के पद की जो दावेदारी की गई द्रौपदी मुर्मू को सामने उतार कर एनडीए ने, क्या वास्तव में विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है? और जिस तरीके से चेहरा भारतीय जनता पार्टी एक बात हमेशा कहती है कि कतार में अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचने का कोशिश करती है पार्टी, और वैसे ही सम्मान वो पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को देती है, जैसा कि पहला व्यक्ति होता है पंक्ति का, तो वो चीज करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए, टेक्निकल समस्या आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को उनका चेहरा सामने ला करके विपक्ष के लिए यह बड़ी चुनौती है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए खास तौर पर जिस तरीके से झारखंड में ये बड़ी चुनौती पेश करने की बात की जा रही है कि वहां पर भी अब कहीं ना कहीं बनकर जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के लिए पशुपेश की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे में चलिए एक बार फिर से हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, शबनम पांडे जी रुख आपका करेंगे। वास्तव में ये माना जा रहा है, अब चर्चाएं तो है सोशल मीडिया पर, आप भी देखती होंगी कि तमाम सारे पोस्टें भारतीय जनता पार्टी जो कि आपके पक्ष में लिखी जा रही हैं, अब बड़ी तारीफें भी हो रही हैं उसमें, ये जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का चेहरा सामने लाया गया है, क्या लगता है कि वास्तव में उस वाक्यों को जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती हुई दिखा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात के लिए मैं बधाई दूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी एनडीए सरकार को, और साथ में संसदीय कमेटी को भी, कि जिन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पे रखा है। देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार कहती रही है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उसको करते हुए धरातल पर दिखती भी है। लगातार आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति भी एक दलित समाज से आते हैं, और इस बार भी जो राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनी गई हैं वो सबसे पहले तो वो महिला हैं, और किसी महिला को आदिवासी महिला है, और आदिवासी महिला जो कि कितनी कठिनाइयों के साथ एक एक पग ऊपर चढ़ती आई होंगी, ये हम सब को आभास है जो धरातल पर काम करते हैं। और ये केवल हमारी पार्टी ही नहीं, देखिए जब बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान लिखा था तो उस वक्त हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इस बात को जरूर इसकी परिकल्पना की गई होगी कि एक दिन देश इतना सशक्त होगा और देश के नागरिक इतने सशक्त होंगे कि जाति धर्म के भेदभाव को तोड़ते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद तक चुने जाने की संभावना उन्हें लगती होगी। और आज उसी सपने को, उसी परिकल्पना को पूरा करते हुए एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हम आप सब देख रहे हैं कि एक ऐसी महिला को चुना गया जिसने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, कहीं भी उन्होंने हार नहीं मानी है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि वो एक ऐसी पार्टी से जुड़ी है जो महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त करना जानती है, और जो पार्षदी से लेके
आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, ये जो रास्ता है कि जो एक गरीब गांव से लेके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना एक आदिवासी महिला का, हम सभी के लिए गर्व की बात है और हम उन सब महिलाओं को कहीं ना कहीं उनका मनोबल मजबूत करता है, उन्हें एक मनोबल देता है कि हम अगर संघर्ष करते हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर किसी की संभावना कहां से कहां तक होगी, आकाश छूने की संभावना दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन शबनम जी यहां पर एक सवाल और है। देखिए, दरअसल पहले भी राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी और ऐसे कई और नेता हैं जो कि ठीक ठाक पदों पर हैं। सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या वास्तव में द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद या अन्य जो लोग ठीक ठाक पदों पर पहुंच जाते हैं उनके पहुंचने के बाद क्या आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, उनकी जनजीवन की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको क्या मिल पाती हैं, क्या उन समस्याओं का निराकरण हो पाता है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में अब आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी क्या? देखिए, समस्याएं और विकास दोनों कभी खत्म नहीं होता, ये सतत प्रक्रिया है। हम कितना भी विकास कर ले, कोई ना कोई विकास कार्य रह ही जाता है, क्योंकि हमेशा दुनिया आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती है, इसलिए विकास कार्य सतत होता है और हमेशा कुछ ना कुछ रह जा। वैसे ही जब हम विकास करते हैं तो समस्याओं पर ही विकास होता है, तो वो समस्याएं भी, अगर हमें आज एक रोटी मिलती है तो कल हमें सब्जी की भी जरूरत होती है, सब्जी मिलती है तो दाल की भी जरूरत होती है, अगर एक महिला के तौर पे देखना चाहे तो ऐसे है। लेकिन अगर हम नौकरी करते हैं तो हम जिस पद पे हैं हम उससे ऊपर पद की सोचते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हर आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएगा एक दिन, हर आदिवासी प्रधानमंत्री, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण होता है। देखिए, इनके साथ कोई परिवारवाद का भी उदाहरण नहीं है कि एक बहुत ही सम्रान परिवार की आदिवासी महिलाएं हैं और इसलिए इनको ढूंढ के ला के राष्ट्रपति बना दिया गया। ये संघर्षों से अपनी जगह बनाने वाली महिलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हर उस समाज को एक मनोबल और एक उदाहरण समाज के लिए पेश करता है। निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कितना काम किया कि आज आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को राष्ट्रपति भी बनने का अवसर प्रदान होता है। तो अगर एक राष्ट्रपति बनती है तो तमाम उधर की महिलाएं या पुरुष कहीं ना कहीं उनका स्थान अपनी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है और उनकी एक आवाज बुलंद होती है, एक आवाज बनाने उनकी खड़ी करने वाले आज सर्वोच्च पद पे है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव धरातल पर आता है। और इसीलिए हर बार कहा जाता है कि हम जब बातें होती है अन्य समुदाय में तो हर समुदाय कहता है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व होने का मतलब ये है कि उनकी आवाज ऊंचाई तक पहुंचे और उनकी आवाज को जनता जनार्दन और सरकार दोनों समझे और साथ में समाज की मुख्य धारा में वो आकर मजबूती से विकास की प्रक्रिया का फायदा उठा सके। ठीक है, आएंगे आपके पास शबनम जी। अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, एनडीए ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर आपके सामने या हम कहें पूरा विपक्षी दलों के सामने वास्तव में पशु पेश की स्थिति पैदा कर दी है। अंकुर जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, अंकुर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा अभी भी। लेकिन यहां पर एक चीज और, शबनम जी देखिए, जिस तरीके से आपने कहा वो अच्छी बात है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है, विकास को लेकर के लगातार सरकारें आती ही काम करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने एक और आशंका जताई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रबर स्टैंप बन करके कोई राष्ट्रपति बैठ जाए कुर्सी पर। शबनम जी, चलिए अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अंकुर जी, सवाल वही है आपसे कि एनडीए ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर क्या वास्तव में विपक्षी दलों के लिए पशुपेश की स्थिति पैदा कर दी है? जी बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्या योग्यता, अगर आप योग्यता के पैमाने पर बात करते हैं तो ये चीज देखनी होगी कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो योग्यता के पैमाने पर कहीं पर भी जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा चुने गए उम्मीदवार से 19 है, बल्कि वो उनसे योग्यता के मामले में 21 बैठेंगे।
दूसरी बात है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक महिला उम्मीदवार को उतारा गया है। परंतु ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महामहिम हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको जब अपॉइंट किया गया या उनको जब चयनित किया गया तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल या सार्थक भूमिका नहीं दिखाई गई, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो न्यूट्रल होता, किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, भारत का प्रथम नागरिक होता, तो उसको सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दलों की को पर्याप्त समय देना चाहिए, जब भी प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहे प्रतिनिधिमंडल को भी मिलने देना चाहिए। और इसके साथ साथ जिन मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया गया है या जिन बिलों पर या विरोध दर्ज किया गया, कम से कम उस पर विपक्षी दलों को बुलाकर ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि इसके वास्तविक आपत्ति क्या है। परंतु बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया, जिसको लेकर आज की डेट में जो हमारे यहाँ के माननीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा साहब, उनके द्वारा जो रबड़ स्टम की बात को कहा गया है जो सार्थक प्रतीत होती है। तो यही सारे विषय वस्तु हैं जिनको लेकर विपक्ष के द्वारा एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर माननीय यशवंत सिन्हा साहब को उतारा गया है। 18 जुलाई को जब वोटिंग होगी तो आपको परिणाम नजर आएंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी प्रोटोकॉल से अलग हटके विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में माननीय यशवंत सिन्हा साहब। चलिए, ये तो वही बात हो गई। खैर अंकुर सक्सेना जी, ठीक है, आपकी बातें ठीक है, लेकिन मुंगेरेलाल जी के सपने हैं, ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा यहाँ पर। राजनीति में कुछ भी संभव है, ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। दीपक उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है? जी, अभी आपने सुना दीपक उपाध्याय जी की, अंकुर जी किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी हालांकि, और सबसे बड़ी बात तो हास्यास्पद मुझे लगता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसा किया जाएगा कभी, या क्योंकि कभी ऐसी सीन देखा नहीं गया है कि वो विपक्ष के उम्मीदवार को मतदान करें। क्या वास्तव में ये सच है दीपक जी कि जिस तरीके से एनडीए ने प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चेहरा को सामने लेकर के आए और उसके बाद अब विपक्ष के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा, यहां तक कि आपने देखा कि किस तरीके से जो नाम सामने आ रहे थे कि आप विपक्ष की दावेदारी पेश करिए राष्ट्रपति पद के लिए, लोग हटते नजर आए और लास्ट में यशवंत सिन्हा सामने आए, जो कि हमेशा अक्सर वैसे भी वो मुखर रहते हैं और सुर्खियों में रहते भी हैं। जो दल के पास कोई चेहरा ही नहीं हो, पहले सवाल किया और बाद कई को समझा गया जिन्हें उम्मीद से इनकार कर दिया। इसके बाद अब कहीं जाकर यशवंत सिन्हा जी तैयार हुए, जिसने बात होगी वो अपने आप को इस बार राजनीति के पर्दे पर सर्विस करना चाह रहे हैं। यहाँ की लेकिन इससे बड़ा बात है, सबसे मजा आ रहा है कि बीजेपी में एनडीए में जो भी है या एआईसीसी है, वर्तमान है, ये पार्टी उम्मीदवार का समर्थन कर रही है, जेएनयू समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपनी बात रखी। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने ला करके वास्तव में ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है, और जिस तरीके से विपक्ष के सामने अब कोई चारा बसता नजर नहीं आ रहा है, और आज द्रौपदी मुर्मू हालांकि अपना नामांकन करेंगे 12 बजे, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।